मिमिक्री करना किसी की उसके लिए कितना ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए कितनी मेहनत आपको लगती है जब आप किसी कैरेक्टर को पकड़ते हैं मिमिक्री अगर बाउंड्रीज को इतना स्ट्रेच कर दे वो रोस्टिंग पर आ जाए और ऑफेंसिव हो जाए फिर इवेंचुअलीट इज वन फॉर्म ऑफ मेमिक्रीट आई जो इस वीडियो में हुआ द क्वालिटी ऑफ मेमिक्री वॉज गुड लेकिन क्लासिक रोस्टिंग हुई है बंदे की तो यार मुझे याद है ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में अच्छे लेवल की रोस्टिंग हुआ करती थी इंडिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो है दैट इज कैरी मिनाटी तो हसन आज क्या डिस्कस करने वाले हैं आज मेरे ख्याल से डिस्कस करना चाहिए जो सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है इंटरनेट पे एंड दैट इज uh, कैरी मिनाटी वर्सेस संदीप महेश्वरी राइट राइट यार मैं यह मानता हूं कि कैरी मिनाटी एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है आई मीन इफ यू लुक एट द कॉन्टेंट इट सेल्फ फ्रॉम वेयर ही बिगैन टू राइट नाउ जिस तरीके की लेवल ऑफ एंड मेमिक्री वाले फॉर्मेट में ही हैज एंटर्ड इट इज अमेजिंग हाउ इज डन दैट सो वी विल डिस्कस अबाउट हिज जर्नी एंड हाउ इट इज शिपिंग अप एट्सेट्रा बट आई थिंक ब्लू मैन इवॉल्व के कॉन्टेक्सट में अगर हम बात करें तो मेंटल हेल्थ इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी आर वेरी पैशनेट अबाउट दैट वी टॉक अ लॉट अबाउट ऑन दिस चैनल और इस पॉडकास्ट के जरिए अपनी ऑडियंसिस को हम इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रोवर्सी का थोड़ा सा एक कॉन्टेक्ट देना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज इम्पैक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल नॉट नेसेसरीली संदीप महेश्वरी और कैरी मिनाटी बट आई थिंक एज इन्फ्लुएंस हम जो भी करते हैं अपनी रिस्पांसिबिलिटीज के बी ऑन्ड जा के उसका क्या इम्पैक्ट होता है तो वो Uh, इस डिस्कशन का पार्ट बनेगा बट uh, अपने ऑडियंसिस के लिए बता दूँ पिछले दिनों कैरी मिनाटी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर्स की पैरडी करी जहाँ पर uh, संदीप माहेश्वरी से लेकर रणबीर अलाहवादिया uh, सदगुरु और आई थिंक अंकित बहनपुरिया uh, की इन्विटेशंस करी हैं एंड द प्लॉट इट सेल्फ वॉज रेडिकॉड बट कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिससे संदीप माहेश्वरी जी ने uh, उसको डिसअप्रूव कहूँ या ऑब्जेक्शनेबल उनको लगा वो कुछ पार्ट जिसके बारे में शायद आप सबने देखा ही होगा संदीप uh, महेश्वरी ने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो कुछ अपशब्द जो कहे या गालियाँ जो दी दब्यूजिव वर्ड्स दैट ही हैड यूज वो समथिंग दैट हर्ट हिम तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं लेकिन हसन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बिकॉज यू बीन अ मेमिक्री आर्टिस्ट योर सेल्फ और यू नो लॉन्गर देन आई केयर टू रिमेंबर मेमिक्री करना किसी की उसके लिए कितना ऑब्जर्वेशन आपको चाहिए कितनी मेहनत आपको लगती है जब आप किसी कैरेक्टर को पकड़ते हैं क्या क्या वो चीज़ें होती हैं कौन कौन से वो इंट्रिकेट एस्पेक्ट्स होते हैं किसी की पर्सनालिटी के किसी की स्पीच uh, के टोनल एबिलिटीज़ के माइंड सेट के उसके बारे में कुछ बताओ बिकॉज आई थिंक दैट विलगवे जहाँ पर कैरी मिनाटी हैज आउट परफॉर्मड यू नो एनी मेमिक्री आर्टिस्ट दई नो क्योंकि uh, जो एस्टैबलिश मेमिक्री आर्टिस्ट हैं वो मेमिक्री करते हैं एस्टैब्लिश बॉलीवुड एक्टर्स की क्रिकेटर्स की एक्सेट्रा बट यहाँ पर तो उन्होंने अपने कंटेम्प्रेरीज की मेमिक्री करी है जिनकी जनरली आपको लोग मेमिक्री करते हुए नहीं मिलेंगे राइट तो उसके हा, बारे हा। में थोड़ा मुझे बताओ यार हाँ नहीं अभिषेक मेमिक्री जो है मतलब काफ़ी एक मुश्किल आर्ट है इनेटली पीपल हु आर गुड ऑब्जर्वर्स मतलब जो अच्छी तरह ऑब्जर्व करें किसी भी एक इंसान को मैनरिज्म्स को तुम चल कैसे रहे हो है? तुम बैठे कैसे हो तुम्हारी आंखें कैसे चल रही हैं है ना तो उस तरह का अगर एक एक ऑब्जर्विंग ट्रेट है आपका और आप शांत रहकर और सामने वाला क्या बोल रहा है वो आप सुन सुन सकें और समझ सकें तो वो एक बंदा मिमिक्री आर्टिस्ट बन सकता है और अपने टैलेंट को नर्चर कर सकता है तो मिमिक्री में बेसिकली हमें डूबना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि हम वही इंसान हैं मतलब यू नॉट यू नो गिव आउटपुट अनलेस यू थिंक दैट यू आर द सेम पर्सन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सनी देओल की मिमिक्री कर रहा हूँ तो मुझे ये ये मानना पड़ेगा कि मैं ही सनी देव लू और ही मैं ही ही। बस किसी ने एक्शन बोला डायरेक्टर खड़े हुए हैं सामने अमरीश पुरी खड़ा हुआ है सो आई हैव टू इमेजिन ऑल दैट और जब वो ही ही सारी चीजें एक साथ आती हैं तब फिर वो उस तरह का एक प्रोडक्ट निकलता है जो कैरी मिनाटी का वीडियो था तो है अगर है। मैं एक मिमिक्री स्टैंड पॉइंट से कहूं तो इट इज काइंड ऑफ एंड नॉट लेस देन अस्टर पीस बहुत भे भे अच्छी उसके ऑब्जर्वेशन है। हैं जिस तरह से मैनरिज्म उसने पिक किए हैं लोगों के और उन लोगों को मिमिक किया है इमिटेट किया है जिनको जनरली लोग इमिटेट नहीं करते है ना भे तो हैविंग सेट दैट मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मिमिक्री का जो पर्पस होता है ना ऑल टूगेदर दैट स्पिटी लाइट मतलब उसका एक ही होता है कि हाँ आपने थोड़ा एंटरटेन किया मजाक किया मिमिक्री और भे भे अगर आगे जाके ट्रांसफॉर्म होती है तो इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू डबिंग Uh, hey. थिंग ठीक है एक आप डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं मेमिक्री करते हैं अच्छी तो फॉर एग्जाम्पल सुमित शिंडे uh, जो हम देखते hey. हैं आमिर hey. खान की बहुत अच्छी मेमिक्री करते हैं ही इज फ्रॉम मुंबई इट्सल्फ और वेरी नाइस गाय आई मेट हिम वंस थ्रू इंडियन आइडल मतलब मैं उसके ऑडिशन hey. में hey. गया था उसी सीजन में वो भी आया था उसने आमिर की गी hey. hey. थी hey. बहुत अच्छी hey. मैंने uh, सैफ अली खान की और एक दो लोगों की, की थी तो वी व इन द सेम सीजन तो आज वो मिमिक्री करते करते आमिर खान की यूजली जो अच्छी मूवीज होती हैं या मराठी में डबिंग होती है इंग्लिश में, में होती है दैट इज डन बाय सुमित तो और वो एक्टर्स भी अप्रिशिएट करते हैं कि यार इतना अच्छा एक आर्टिस्ट है जो हम हम हमारा इमिटेशन कर रहा है और इमिटेशन भी ऐसा इन अ वेरी लाइट नोट उसमें कुछ बैंटर्स हे हे भी होंगे कुछ थोड़ा सा हंसी मजाक भी होगा लेकिन हे हे मिमिक्री अगर बाउंड्रीज को इतना स्ट्रेच कर दे कि वो hey. रोस्टिंग पर आ जाए और ऑफेंसिव hey. हो जाए फिर इवेंचुअली दैट इज वन फॉर्म ऑफ मेमिक्री दैट आई वुड नेवर सपोर्ट है ना जैसे hey. रोस्टिंग hey. में और uh, मेमिक्री में वाइल यू आर इमिटेटिंग यू आर इमपर्सनेटिंग समबडी इसमें बहुत फर्क hey. होता है, है ना hey. तो आप कभी भी कैसे भी किसी का uh, मजाक उस तरह से नहीं उड़ा सकते कि उसे hey. बेजती फील हो जो इस वीडियो में हुआ द क्वालिटी ऑफ मिमिक्री वॉज गुड लेकिन क्लासिक रोस्टिंग हुई है बंदे की है ना हे, से हे, उसको आपने किसी भी तरह से किसी भी एक स्टैंड पॉइंट से ग्लोरिफाई नहीं किया है उसका इवेंचुअली आपने मजाक उड़ाया है एंड दैट इज नॉट मिमिक्री क्या उसको कैरेक्टर एसेसिनेशन बोला जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल देखिए हम जो बात करते हैं संदीप महेश्वरी की ठीक है आ, वो एक मोटिवेटर हैं ठीक है लोगों की कितनी कितने ही लोग आप उनके वीडियोस के नीचे देखिए जो कमेंट्स आते हैं लोगों के हे हे कितने हे लोग हे हे ये एक तरह से टेस्टमोनियल लिखते हैं कि आपने हमारी जान बचा ली आपने हमें जिंदगी हमारी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दिया ठीक है तो अगर वो इंसान मैं कह रहा हूं यार उस बंदे ने शायद एक ही इंसान को क्यों नहीं आ, एक तरह से मोटिवेट किया होगा सिर्फ एक इंसान को हे, हे, लेकिन हे, 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 किया ना एक को हे, भी हे, एक की भी लाइफ अगर आपने टच कर ली और पॉजिटिवली उसको अफेक्ट कर दिया तो वो भी एक तरह से एक पॉजिटिव एक्ट है और एक पॉजिटिव एक्ट को आप जैसे दिखा रहे हैं मेमिक्री करते करते आप एकदम से यू टर्न अब्यूसिव और आप लिटरली वहां बैठकर यू आर हेलिंग द वर्स्ट अब्यूज दैट एनी वन गिव इज ऑफेंसिव और हे हे आ, हे हे। इस तरह की कोई चीज कैरी मिनाटी से सुनना कोई नया नहीं है ठीक है कैरी मिनाटी ग्रू अप फ्रॉम बीइंग यू नो रोस्टर स्टार्टिंग में हे और छोटे मोटे कैरेक्टर्स को लेके उसने रोस्ट किया आ, कुछ पर्सनालिटीज को यूट्यूब यूट्यूबर्स को ही पकड़ा जो शायद इतने पॉपुलर नहीं थे फिर hey. उसके बाद गेमिंग में हमने देखा कि एक फिक्शनल कैरेक्टर एक कोई कैरेक्टर है वो चल hey. रहा है भाग रहा है गाड़ी चल रही है तो उस टाइप hey. के कैरेक्टर को पकड़ा और फिर hey. वो अब्यूज दे रहा है चलो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता एक गेम में कैरेक्टर चल hey. रहा है गोलियां मार रहा है या सामने से गोलियां पड़ रही हैं वो फिक्शनल चीज है hey. उसको चलो आप गाली देते थे लेकिन अब ये थर्ड स्टेप जो एक लेवल आप उसने किया है लास्ट hey. वीडियो में भी हमने देखा उसने जो किसका किया था यार यारेक्निकल गुरु जी एक आ, और तो दो लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा कि टेक्निकल गुरु जी काफी थे, 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 उसने एक एक्सट्रीम रोस्ट किया था और वहां पर भी काफी अब्यूसेस दी थी तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है ठीक है थे, वो ट्रेंड खतरनाक है अब ये कहाँ जाके रुकेगा यूट्यूबर्स को आपने ले लिया ठीक है सदगुरु आई वुड से इज नॉट ए यूट्यूबर ठीक है So in, in इंस्पायर किया है लोगों को आ, हे, उनके, हे, हे, हे. उनकी एक अलग टाइप की फैन फॉलोइंग है लेकिन वो यूट्यूब तक सीमित नहीं है ठीक है बिसाइड्स यूट्यूब उनके बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं और लोग उनको मानते हैं उनकी बात को समझते हैं और उनकी हे, हे. अगर बात की जाए एट्टी परसेंट जो टॉक होती है वो रिलीजन से, से हटके होती है दैट इज प्योर स्पिरिचुअलिटी ठीक है राइट right, तो राइट right. उन्होंने अगर अगर इतने लोगों को छुआ टच किया तो लोगों की मान्यता है उनके साथ जुड़ी हुई और फिर आप उनको भी मॉक कर रहे हो एज व्यूअर्स अगर, अगर आ, हमने ये मैसेज नहीं पहुंचाया कैरी मिनाटी की तरफ कि भाई आपकी आपका एक्ट इज वेरी गुड ठीक है लेकिन ये एक क्लीन कॉमेडी भी हो सकती है है ना या हे हे ऐसी कॉमेडी हो सकती है वे देयर इज बेंटर इन्वॉल्वड लेकिन अब्यूसेस नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा यार एक तबका कह रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर हो आप और आप जोक नहीं ले सकते मैं एक्चुअली उस वीडियो के नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कंट्रोवर्सी के ऊपर और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने कंटेंट बनाया जहां पर उन्होंने एक बैलेंस्ड बात भी करी है जैसे पीपो है एक, एक आकाश आ, करके एक यूट्यूबर है।, है बड़े अच्छे हैं पर्सनली मैं आ, देखता हूँ उनका चैनल उन्होंने एक आ, अच्छा पर्सपेक्टिव दिया हाउ यू नो दिस दिस मे नॉट बी द राइट अप्रोच एज फार एज रोस्टिंग इज कंसर्न और रोस्टिंग के क्या एलिमेंट्स होते हैं बाय uh, डेफिनेशन और वो सब पे हम आएंगे लेकिन यार मैं उसमें कॉमेंट्स जब पढ़ रहा था ऑर्डर टू रिसर्च द कॉन्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट तो उसमें मैंने देखा कि कई लोग बोल रहे हैं कि यार जोक नहीं ले पाए और जो फैन बॉयज़ हैं ना तो मैं अपनी ऑडियंस को क्लियर कर दूं ना ही हम कैरी मिनाटी के फ़ैन बॉय हैं ना सदगुरु के ना संदीप महेश्वरी के आई मीन वी आर जस्ट सेइंग इफ समबडी हैज़ क्रेडेंशियल्स जिन जो सही मायने में इन्फ्लुन्सर्स हैं और एक नोबल कॉज को वो सपोर्ट करते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो वहाँ पर देर हैज़ टू बी अ मिनिमम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट जो मेंटेन करनी चाहिए सो आई थिंक बहुत जरूरी पॉइंट सिर्फ point. इतना इतना एक लिमिटेड एंगल से या एक लिमिटेड लेंथ से देखना कि सिर्फ एक जोक ही तो था वो एंड यू नो कॉन्ट यू टेक अ जोक आई थिंक वो जोक से ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर फैमिलीज इन्वॉल्व हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल संदीप महेश्वरी की जो फैमिली होगी उनके शायद बच्चे भी हों मैं जानता नहीं हूं उसके बारे में ज्यादा लेकिन वुड uh, दे

भाई उन्होंने रियलाइज किया कि शायद उन्होंने अपने बॉर्डर को ओवर स्टेप कर दिया है ये लाइन को ओवर स्टेप कर दिया है और इसीलिए उन्होंने वहां से वो हटाया भी तो आई थिंक इट इज टेकिंग अ जोक और समथिंग क्योंकि रोस्टिंग और साइबर बुलिंग में ना बहुत एक फाइन लाइन होती है तो थोड़ा रोस्टिंग के बारे में हम समझाएं पहले ऑडियंस को रोस्टिंग जो है वो आ, तुम्हें क्या याद है तुम्हारी क्या सबसे पुरानी मेमोरी है रोस्टिंग सुनने की देखो रोस्टिंग बाय द टर्म अगर तुम जाओगे तो वो तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव ओनली सीन इट इन इंडिया कम से कम जो ए का एक रोस्ट हुआ था विच वॉज इन इट से बट इफ आई गो बैक टू सम ऑफ समी मेमोरीज आई हैव फ्रॉम द टेलीविजन तो यार मुझे याद है ग्रेट इंडियन लाफ्ट चैलेंज में अच्छे लेवल की रोस्टिंग हुआ करती थी तो जितने हैं, हैं। भी हमारे ये दिग्गज हैं सुनील पाल से लेकर और राजू श्री द लेट राजू श्रीवास्तव आ, से लेकर और आ, आ, एहसान कुरेशी और इनफैक्ट कपिल शर्मा खुद भी हाँ। आ, तो वो मैं मानता हूँ कि मुझे मेरी पहली मेमोरीज में से एक है रोस्टिंग की हाँ हाँ। आ, तो देखिए रोस्टिंग जो है वो है बेसिकली वेस्टर्न कंसेप्ट बाहर ये होता था कि नाइनटीन सिक्सटीज में जैसे यहाँ पे टेलीविजन में बूम आया वैसे वहाँ पे नाइनटीन सिक्सटीज में बूम आया था और लोगों हे को हे हे। इसी तरह के कॉमेडी शो में इनवाइट किया जाता था उनको अवेयर किया जाता था कि भाई ऐसे ऐसे वी आर गोइंग टू रोस्ट यू यू आर वी आर गोइंग टू मेक फन ऑफ यू ठीक है और आपको वो भाई मजाक अपने ऊपर लेना है एंड यू हैव टू बी एंड सपोर्ट करना है और आपको भी इंटर्न अगर रोस्ट करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाती थी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म तो आपने अगर इंडिया में देखा हो तो ए वाला ही जो शो हुआ था है, है। उसमें उन्होंने आ, इन्वाइट किया था करण जौहर को रणवीर सिंह को अर्जुन कपूर को तो वो लोग आए सामने बैठे उनका उन्होंने स्टेज पर खूब मजाक उड़ाया जो कि उन लोगों ने काफी मतलब स्पोर्टी वे में लिया फिर उनको बुलाया गया स्टेज पे वो स्टेज पे खड़े होके और दूसरों को रोस्ट कर रहे थे और एक ऐसा माहौल बना कि इंटरनली ठीक है यार सब लोग कंफर्टेबल हैं दूसरे का मजाक उड़ा है और उन्होंने एक कैमरा लगाया है कि जिससे एक इंटरनल वो एक बैंटर जो है एक पूरा वो सीरीज दिख रही है और पूरी दुनिया के सामने उसको शोकेस कर रही है हे, हे, लेकिन हे, हे, उसका बैकलैश जो है वो काफी ज्यादा हुआ सब लोगों ने मतलब उसकी काफी कड़ी निंदा की इन बोर्ड लेटर्स और फिर उस शो को खत्म कर दिया गया है ना हे, 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 हे. तो आ, अब क्या हुआ आ, जैसे हम उसमें भी देखते थे राइटली सेड लाफ्टर चैलेंज और ये सारे जितने भी आते थे शोज उसमें भी एक दूसरे का मजाक उड़ता था आ, अभी भी कपिल शर्मा शो और कृष्णा सुरेश इनकी जो कॉमेडी है वो हे एक सॉफ्ट बैंटर है थोड़ा थोड़ा हे एक हे दूसरे हे का मजाक उड़ा के और हल्का हल्का पर्सनल कमेंट्स करके ठीक है बट दे नेवर गो बिलो द बेल्ट यहां हे 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 पर ये हुआ है कि मामला बहुत मतलब आपने ऑपोजिट दिखा दिया संदीप महेश्वरी को ऐसे इंपर्सनेट किया कि वो खड़े होके ही इज अब्यूजिंग पीपल ही इज अब्यूजिंग इज ऑडियंस विच इज वेरी सैड विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग एज ई पॉइंटेड आउट और तुम इसका अगर एक एस्पेक्ट ये भी देखो कृष्णा सुदेश के बीच में आ, जिस तरीके का हेल्दी बैंटर है या एआईबी के रोस्ट की हमने बात करी यार ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती हैं बाय स्क्रिप्टेड आई मीन दैट कौन रोस्ट करने वाला है कौन-कौन सी चीजों के ऊपर उसका रोस्ट होने वाला है और जिसका होने वाला है उसको मालूम है है ना उन्होंने बाकायदा परमिशन सीक की है उसने परमिशन दी है जिसका रोस्ट होने वाला है और उन्होंने अप्रूव किया है राइट और बोलने के बाद फिर राइट right. और जैसा तुमने अभी बताया कि उनको भी फिर मौका दिया गया तो uh, you know, तो ये तो रोस्टिंग समझ में आती है लेकिन जब रोस्टिंग टू फार, तो वो बन जाती है यार साइबर अब साइबर yeah. में आपको है कि किसी भी तरीके के डेरोगेटरी रिमार्क्स uh, अगर आप किसी के लिए दे रहे हैं तो वो साइबर बुलिंग है इंपर्सनेशन एंड एक्सक्लूजन एक और टाइप का साइबर बुलिंग होता है जहां पर आप उनको थॉरली रगड़ देते हैं एक तरीके से इम्पर्सनेट करके आ, और उनको आ, ऐसी बातें आ, उनके कैरेक्टर के थ्रू आप कहते हैं आ, जो अदरवाइज वो नहीं कह रहे हैं जो एग्जैक्टली exactly इस केस में हुआ है और साइबर बुलिंग के यार नेगेटिव इफेक्ट्स तो हम सभी को मालूम है कितने सारे केसेस हुए हैं साइबर बुलिंग में जहां पर इट डायरेक्टली इंपैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ पीपल स्टार्ट गेटिंग इम्पोस्टर सिंड्रोम्स पीपल स्टार्ट गेटिंग एंगजाइटी इशूज पीपल स्टार्ट गेटिंग डिप्रेशन और ये सब क्लिनिकल केसेस बन जाते हैं इंटरेस्टिंग ये है कि संदीप महेश्वरी वर्सेस कैरी मिनाटी वाली पूरी कंट्रोवर्सी में अगर संदीप आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ बुलिंग फ्रॉम बुले मिनाटी ले सकते कैरी मिनाटी हैज अ मोटिवेशनल स्पीकर इन सोन एंड सो सोफोर्थ इट वॉज वेरी सैड टू सी संदीप महेश्वरी कमिंग आउट विद अ ट्वीट जहां पर उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अक्सर डिप्रेशन की और एंगजाइटी के ट्रीटमेंट्स लेता हूँ पिल्स लेता हूँ एंड यू नो आई एम ऑल्सो अमूमन विच आई थिंक इज इज अ वेरी सैड थिंग टू सी नॉट ओनली बिकॉज उनको इस बात से बुरा लगा या इम्पैक्ट वो हुए कि लोग इस तरह से उनको अब बोलिंग कर रहे हैं आफ्टर कैरी मिनाटी एक अलग लेवल की बोलिंग शुरू हो गई उसके फैन से बट ऑल्सो द फैक्ट दैट यू नो ही इज ऑल्सो अूमन मेरे ख्याल से सतगुरु से, से किसी ने पूछा था और उन्होंने आ, पूछा कि आपने क्या वो वीडियो देखा जिसमें आपका इस तरह से एक डिपिक्शन दिखाया गया है एंड ही सैड यू नो मैंने नहीं देखा मैं नहीं जानता लेकिन यू नो पीपल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू नो आई डोंट केयर फॉर इट और समथिंग टू दैट इफेक्ट ही द पॉइंट इज के यार कोई इम्पैक्ट लेगा उसका कोई नहीं लेगा अगर संदीप महेश्वरी हैं वन ऑफ द बिगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो इंडिया के एंड वॉट नॉट इसका मतलब ये नहीं है कि वो पत्थर के बने या उनको वो इश्यूज नहीं होंगे तो यार बड़ा सैड है ये देखना कि यार उनको भी इस तरह से आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही हैं। दूसरा ये भी है कि यार कैरी मिनाटी ने अपोलोजाइज किया उनको आ, बोला कि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं तो आ, मुझे यार इस पर्टिकुलर आस्पेक्ट से एक ऑब्जेक्शन है आप सब कुछ करने के बाद अगर बोलते हैं कि ओ बड़ा आई रिस्पेक्ट यू तो ये एक्जैक्टली exactly वो चीज है जो हमने अपने गैस लाइटिंग वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था दैट यू नो इफ यू हैव डन समथिंग रॉन्ग जस्ट गो अहेड एंड अपोलोजाइज वहां पर यार okay. आप उस चीजों को क्वेश्चन कर रहे हैं क्या आई रिस्पेक्ट यू एंड सो ऑन अगर ये रिस्पेक्ट है अगर आप रिस्पेक्ट करके और इस तरह की चीजें बोल रहे हैं आई मीन सो अ पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन राइट सो वी आर नॉट से अबाउट द कॉन्टेंट दैट ही मेक्स राइट चालीस मिलियन से ऊपर उनकी ऑडियंस है वो उसको पसंद करती है उस तरीके के कॉन्टेंट को एंड यू नो इट रेजोनेट्स विद अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली द यूथ एंड सो ऑन सो वी आर नॉट अ मोरल एंगल इन टू दिस राइट हम मॉरल पोलिसिंग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि ऐसा कॉन्टेंट नहीं बनना चाहिए या वट एवर आई मीन अगर वो कॉन्टेंट चल रहा है और लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है बाय बाय ऑल मीन्स थिंक ओनली पॉइंट वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ हियर इज अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है तो आप उसकी माफी मांगिए एंड आई होप इट इज नॉट ओनली फॉर संदीप महेश्वरी क्योंकि उन्होंने तो इस बारे में आवाज उठा के उनको बोला लेकिन बहुत से लोग नहीं बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल अंकित बहनपुरिया नहीं बोल रहे या सदगुरु ने भी कोई खास इसपे टिप्पणी दी नहीं रणवीर अलाबादिया ने एक बड़ा बैलेंस स्टैंड लिया and सो ऑन राइट लेकिन पिछले अगर आप वीडियोज देखें तो आ, गौरव तनेजा जो है आ, फ्लाइंग बीस उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिया था और एक बड़ा सार्कास्टिक सा उनका ट्वीट है जो उन्होंने लिखा था उसके बारे में एंड सो ऑन तो पॉइंट यह है कि यार आप उस चीज को अगर मानते हैं कि आपसे गलती हुई है तो आप उसको रिपीट ना करें अगर हम ये देखते हैं कि संदीप महेश्वरी के लिए तो उन्होंने अपोलोजाइज करके उनके पार्ट्स को वहां से कट कर दिया या एडिट आउट कर दिया लेकिन इफ जैसे आपने कहा कि वो चीज अगर चलती रहेगी एज अ ट्रेंड तो वो एक डेंजरस ट्रेंड है और लास्ट पॉइंट मेरा यह है कि वो डेंजरस ट्रेंड इसलिए है क्योंकि मे बी कैरी मिनाटी विद इन्फ्लुएंस दैट ही हैज कैन गेट अवे विद इट राइट लेकिन कैरी मिनाटी मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि 40 मिलियन लोग आपसे इंफ्लुएंस होते हैं उन चालीस मिलियन में से चार सौ तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको देख के आपके टाइप का चैनल बनाया होगा मिनिमम क्या इस बात की गारंटी है कि वो इस ट्रेंड को कुछ ज्यादा ही आगे नहीं ले जाएंगे दैट दैट दे विल नॉट द बाउंड्रीज यू मे बी एज एन ऑडियंस किसी को नहीं पता कि आप जिसका रेस्ट करते हैं उनसे परमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं लेकिन जो देख रहे हैं उनको सिर्फ ये लगता है कि यार दिस टाइप ऑफ कॉमेडी इज अ ग्रेट फॉर्मैट एंड लेट्स गेट इन टू इट बिकॉज आप ऐसे, तो वो भी ऐसे ही सक्सेसफुलर uh, था ग्रीक फिलोस मतलब बदलाव जो है वो है? जीवन का एक दस्तूर है ठीक है जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन आप देखिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आ, यूट्यूबर है हे हे जिसको माना जाता है वन मैन आर्मी कहलाता है वो एंड ही इज मिस्टर बीस्ट ठीक है और दुनिया उस पर मेहरबान है यूट्यूब उस पर मेहरबान है हे 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 तो वो क्या करता है वो लोगों की लाइफ को अच्छा करता है बेहतर करता है तरीके निकालता है कि कैसे वो कोई भी गेम सेटअप करे हे 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 या कैसा भी एक ऐसा एक सेटअप बनाए जिसमें लोगों को पैसा मिले और उनकी लाइफ को पॉजिटिवली टच करे, ठीक है तो वो हो गया यूएस का जो सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है इंडिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो है दैट इज कैरी मेनाटी ठीक है लोग जो हैं, वो उसको एज इंस्पिरेशन देखते हैं तो टाइम के साथ देखो मेरा ये मानना है जब ठीक है आपने रोस्टिंग से शुरू किया होगा एंड दैट वर्क्स फॉर यू ठीक है उसी से आपके फोर्टी मिलियन जो हैं वो सब्सक्राइबर्स uh, फाइनली बने लेकिन uh, मैं ये देखता हूं कि उसका एवोल्यूशन भी देखो इसके पीछे जो उसने अभी ये लेटेस्ट पिछले दो वीडियोस बनाए हैं, इसमें आप क्वालिटी देखिए मेकअप आर्टिस्ट की क्वालिटी देखिए जिन लोगों ने पूरा उसका एंटायर डिजाइन किया प्रोड़्टी. हाँ एंटायर प्रोडक्शन लाइटिंग सेट्स पीछे बैकग्राउंड मतलब बिल्कुल हर कैरेक्टर से इतना ऑथेंटिकली डिटेलिंग इतनी जबरदस्ती मिलाया कि सिर्फ यही नहीं सिर्फ कैरीमिनाटी ही नहीं सिर्फ, ही नहीं, सिर्फ है उसकी है। आवाज नहीं सिर्फ उसके एक्सप्रेशन नहीं एंटायर दोज की यार वही इंसान जैसे सामने बैठा हो है इतना जबरदस्त उस चीज का लेवल ठीक है तो अगर आप इतना ज्यादा इवॉल्व हो गए हैं फ्रॉम बींग यू नो अ यूट्यूबर जो एक कमरे में बैठ के बस कोई भी वीडियो देखकर उस वीडियो पे कमेंट्स, कमेंट कॉमेंट करता था या बूज करता था वो अब इतने एक लेवल पे इवॉल्व हो गया

करके तो ये देखे मेरा तो ये मैसेज है कैरी में को नहीं देखिए गाली देना और अब्यूसिव कंटेंट बनाना जैसा मैंने कहा यार आई मीन यूट्यूब पे देर आर गाइडलाइंस अबाउट यू नो कंटेंट दैट यू आर पुटिंग आउट देयर पर मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप किसी भी लेवल की रोस्टिंग कर रहे हैं तो दो बातों का खास ध्यान रखिए और हम बींग कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर इस बात को भली भांति समझते हैं कि कंटेंट क्रिएशन जो है स्पेशली जब आप उस लेवल पर पहुंच जाते हैं दैट यू यू हैव मिलियंस मिलियंस आफ्टर ऑफ पीपल फॉलोइंग वहां पर आपकी एक बहुत शोल्डर होती है अबाउट द काइंड ऑफ इंस्पिरेशन यू आर पुटिंग आउट और मैं उस परस्पेक्टिव से कह रहा हूं कि अगर वो कॉन्टेंट थोड़ा सा रफ भी है आई मीन दैट्स द फॉर्मैट ही इज नोन फॉर नाउ क्या वो अपनी आइडेंटिटी ही पूरी शिफ्ट कर देंगे एज फार एस कॉन्टेंट क्रिएशन इज कंसर्न दैट लेकिन uh, you know, आप एक तो अपनी ऑडियंस का ध्यान रखिए आप क्या वहां पर बोल रहे हैं उससे क्या इन्फ्लुंस लोग ले रहे हैं और दूसरा जिनकी आप सोल्ड so रोस्टिंग कर रहे हैं तो वो रोस्टिंग की गाइडलाइंस के अधीन रहकर करें विच इज टू एट द बेर मिनिमम सीक दैट परमिशन उनकी परमिशन लीजिए उनको बताइए uh, हो सके तो अपना वीडियो बिफोर यू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया उनको दिखाइए रन इट बाय देयर डेस्क अगर वो उसको अपलूज है। करते हैं तो आप उसको बाय ऑल मीन्स पोस्ट करिए उसमें चाहे किसी भी तरीके का कॉन्टेंट हो आप उसको पोस्ट करिए द ओनली थिंग इज यू वुड देन सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट एम्बेसमेंट जो आपको बाद में अब करना पड़ रहा है क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही हैं माफिया मांगनी पड़ रही हैं तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही ये स्टेप अगर ले लें तो उनके लिए उनके मेंटल हेल्थ पे अटैक बच जाएगा जिसकी आप रोस्टिंग कर रहे हैं और आपके लिए यू विल सेव सेवर सेल्फरसमेंट हाँ बिल्कुल सही कहा अभिषेक और देखो मेरा ये मानना है कि रोस्टिंग जो है उसमें और आ, एक तरह से साइबर बुलिंग में एक लाइन एक इंसान को ड्रॉ करनी चाहिए कहीं ना कहीं ये मानना चाहिए कि जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हैं जिसको आप रोस्ट कर रहे हैं उसके सेंटिमेंट्स भी हैं ठीक है शायद आप आपके लिए गाली देना या अब्यूज़ करना किसी को इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी लेकिन शायद उसका घर का एनवायरनमेंट उसके दोस्तों का या जहां वो उठता बैठता है शायद वो ऐसा हो कि जहां गाली का ग भी यूज़ नहीं होता है ना तो ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं इन सब चीज़ों के प्रति और उनकी तरफ सोचते हुए आपको एक मॉड्रेशन में चीज़ें करनी चाहिए और अगर आप इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप अब ऐसे कंटेंट के साथ आएं जो जिसकी तरफ हर एक नया यूट्यूबर देखे और ये सोचे कि भाई मुझे कैरी मिनाटी बनना है Correct. ठीक है तो बींग द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ इंडिया वो कुछ ऐसा कंटेंट भी कैरी मिनाटी ला सकता है जो लोग बिल्कुल वही चीज रेप्लीकेट करना चाहे उसे एज एन इंस्पिरेशन सो थैंक यू फॉर एपिसोड एपिसोड आई होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा आप अपने कॉमेंट अपनी ओपिनियंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमसे शेयर करें एंड हो सके तो यार हिट ना दीजिए क्योंकि हम लोग सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव रख रहे हैं आपका जो पर्सपेक्टिव है वी विल वेलकम दैट पर्सपेक्टिव इन द बिलो एंड ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल योर कॉमेंट्स बट uh, उसके अलावा ये फॉर्मेट एक नया फॉर्मेट है जिसके साथ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने चैनल पे तो ये आपको कैसा लगा इसमें इसी सीरीज में हम और भी बहुत सारे पॉडकास्ट आगे प्लान कर रहे हैं वील ऑल्सो इन्वाइट सम गेस्ट इसके बारे में हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए सो दैट वी कैन बी बेटर एवरी टाइम व्यू ब्रेंग सम कॉन्टेंट फॉर यू तो आज के लिए इतना ही आई होप यू गाइज गो हैड एंड यूज दिस एज लर्निंग टू अनलॉक योर टू पॉइंट ओ एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड